फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉय फॉक्स। काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो कोई अपलोड किए हुए, सो आज एक ब्रांड न्यू टॉय आया है। तो ये रहा इसका पैक, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है तो इसके चलते सारे जो पैकेजेस आ रहे तो थोड़े बहुत ऐसे ही आ रहे, तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कैन नॉट हेल्प इट। लेट्स ओपन दिस। ये एक वीडियो गेम है, आपको बता देता हूँ, बट थोड़ा डिफरेंट वीडियो गेम होगा, ना कि जैसे कोई एक्सबॉक्स या बड़े गेम्स नहीं। सो लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड हियर। ओके, तो ये NKL कंपनी का एक हैंडहेल्ड रेट्रो क्लासिक गेम्स का कंसोल है। सो SUP गेम बॉक्स इसके ऊपर लिखा हुआ है। आई थिंक ये NKL कोई इंपोर्टर होगा, तो जिसने ये इंपोर्ट किया होगा। सो लेट्स सी, तो दिखा देता हूँ आपको। इसमें कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आई पेड 699 ऑन फ्लिपकार्ट, ये आज ही आया है। रेड कलर है, वाइट, ब्लैक, ब्लू एंड येलो। आई थिंक दिस इज़ ब्लैक इन कलर। तो इसके अंदर क्या क्या है? एक कंसोल होगा, एक AV केबल होगा, आई थिंक इट्स टू कनेक्ट टू द TV एंड DC केबल, यूज़र मैनुअल। ओके, तो और क्या है इसके ऊपर? आई थिंक स्पेसिफिकेशन इसके ऊपर रखा हुआ है, 3 इंच का स्क्रीन है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो इट्स मेड इन चाइना। सो लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। तो ये आपका AV केबल हो गया और एक यूज़र मैनुअल है एंड ये एक चार्जिंग केबल भी है, जैसे हमारा नॉर्मल जो आई थिंक इट्स कॉल्ड डी टाइप, तो ये वैसे वाला चार्जिंग केबल है। एंड ये रहा गेमिंग का कॉन्सोल। ओके, तो मुझे नहीं पता क्या आपने इसको देखा है कि नहीं देखा है। तो पुराने जैसे 15 या 20 साल पहले तो हमारे पास ऐसे गेम हुआ करते थे जो ऐसे कॉन्ट्रा। ओके, सो दिस इज एक लगता है जैसे कोई मोबाइल बैटरी का, इसके मोबाइल फ़ोन का बैटरी जो रहता था वैसा है। तो लेट्स फिट दैट बैक इन। तो इसको यहाँ पे डायरेक्शनल कंट्रोल्स है, सो लेट्स सी हाउ टू स्टार्ट दिस। ये यहाँ पे चार्जिंग का केबल है, यहाँ पे एक जैक शायद हेडफोन के लिए है एंड देयर इज नो अदर कंट्रोल हियर। यहाँ पे एक डायल भी दे रखा है, तो आई थिंक प्रोबेबली फॉर द वॉल्यूम और समथिंग। तो प्रॉबली इसका स्टार्ट बटन यही है। तो ये चार्जिंग पोर्ट है, ये एक TV आउट का शायद ये केबल है। यस, ये TV का केबल यहाँ पे पड़ता है। दिस कैन बी एन इनपुट टू द TV। तो ये रहा इसका ऑन बटन, तो लेट्स टर्न इट ऑन। तो ये है गेमिंग कंसोल। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये डायरेक्शनल कीज़ है, ये रीसेट बटन है जो आपको होम पेज पे आने के लिए भेजता है वहाँ पे, और ये आपके रेगुलर जो पुराने जो हैंडहेल्ड कंट्रोलिंग टैब जो होते थे उसी के जैसे इसमें कीज़ है। तो बेसिकली XY एंड AB कीज आपको पता होगा। एंड सेकेंडली ये सेलेक्ट बटन है और ये स्टार्ट बटन है। तो यहाँ पे एक आई थिंक ये स्पीकर है और यहाँ पे एक डायल दिया गया है, यहाँ से आपका वॉल्यूम कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको चार्ज कर रखा है, अभी लगभग चार्ज ये 1 घंटे तक या 1.5 घंटे तक आप चार्ज करोगे तो लगभग 2 घंटे तक ये बैटरी चलता है। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट आते करते ही आपको यू कैन हियर द म्यूज़िक, ये म्यूज़िक पे आपको सुनाई दे रहा होगा। तो इसको मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, लेट्स जस्ट। ओके, इसके अंदर आ गया। तो यू कैन सी यहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स हैं। तो अगर कॉन्ट्रा एक बहुत फेमस गेम था, अगर इसके अंदर मैं एंटर करता हूँ तो लेट्स सी, इसमें अलग अलग स्टेज है। लेट अस स्टेज सेलेक्ट द स्टेज 1, इसको सेलेक्ट करता हूँ। प्लेयर 1, सो 1 प्लेयर, ये सिंगल प्लेयर मोड मैंने सेलेक्ट कर रखा है। मुझे नहीं पता है कि कैसे कि ये डुअल ये चालू खेल सकते हो। तो दिस इज जंप, तो ये फायर कर रहा है। सो ओके, आई एम सॉरी, ये मर गया।
तो इसके जैसे काफ़ी टोटल 500 अलग अलग गेम है। अगर मैं यहाँ से बाहर आना चाहता हूँ तो आई जस्ट हैव टू प्रेस दिस होम बटन। तो दोबारा मैंने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके अंदर इफ़ आई स्क्रॉल अप तो 500th गेम जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे नेविगेशन आप सर्च कुछ कर नहीं सकते, आपको मैनुअली ऐसे पीछे जाना पड़ेगा। तो एक और कोई गेम दिखा देता हूँ आपको। आई थिंक ये अल्फाबेटिकली ऑर्गेनाइज है एंड आई थिंक देयर वाज अ गेम कॉल्ड रोड फाइटर, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। ओके यहाँ मिल गया 454। तो इसको मेरे को स्टार्ट करना है, स्टार्ट। तो ये गेम आपको पता होगा। तो ये डायरेक्शन है और ये आई डोंट नो आपने कितने लोगों ने खेला है, बट जो भी हमारे गेम्स जो थे जो टीवी में हम लोग कंसोल के साथ खेलते थे तो वही गेम सारे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जो कैसेट्स जो होते थे वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर उन्होंने मिला के एक सिंगल इसमें कर दिया है। तो आप यू कैन डेफिनेटली एंजॉय दिस गेम्स। मैंने भी खेला है, मेरे बच्चे को भी मैंने दिया था कल, तो वो भी काफ़ी खुश है इसकी परफॉर्मेंस से। ही लाइक्स अ गेम वेरी मच, वो मोबाइल का गेम यूजुअली खेलता रहता है, तो बस अभी मोबाइल छोड़ के यही डिवाइस को वो पकड़ के बैठा है। तो आई कैन से दैट इट्स बेटर दैन द मोबाइल गेम्स, बिकॉज ये जो गेम्स होते थे ये बहुत ही मतलब बेसिक किस्म के होते थे ना। तो यहाँ पे कुछ अभी जैसे आप देख सकते हो कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो हो गया, ऐसे कई सारे गेम हैं जहाँ पे वॉयलेंस वगैरह सब इजीली एक्सेसिबल है बच्चों को, और यूट्यूब पे जो वीडियो भी आते हैं इन सब के तो वो भी वो लोग देख लेते हैं। तो इन दैट सेंस ये जो गेम का कंसोल है ये बहुत अच्छा है। एंड अगर परफॉर्मेंस का अगर मैं इसको जो साइड में जो साउंड एडजस्टमेंट है इसको आप ज़ीरो भी कर सकते हो, जैसे ये बढ़ गया, आपको नहीं चाहिए तो इसको आप पूरा कम भी कर सकते हो। तो इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, तो इसके अंदर इतने सारे गेम्स हैं। तो इन माय सेंस इसका जो बैटरी भी है, जो पुराना जैसे नोकिया जो फ़ोन जो होते थे बेसिक फ़ोन से जैसे बैटरी है, तो लगभग 1-1.5 घंटा तक तो वो चलता ही है। तो डिटेल्ड मैंने स्टडी ऐसे कर नहीं पाया हूँ मैं, मतलब चार्जिंग का टाइम कितना है और ये कितना देर चलता है वैसा मैंने देखा नहीं है इन डिटेल, बट मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा जब चार्ज करते हो तो वो लगभग 1 घंटे जैसे 1 या 1.5 घंटे तक आराम से चल जाता है। जैसे ये टेट्रिस का गेम है, सेम थिंग आई थिंक यहाँ पे आपको इसको चेंज कर सकते हो। या सेम थिंग, या इट्स प्रीटी गुड। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बोल तो अगर मैं जो बोलना है तो ये जो कीज़ है थोड़े बहुत हार्ड तो लग रहे, ये डेफिनेटली ज़्यादा हार्ड है। पुश इसका थोड़ा सॉफ्ट हो सकता था। एंड स्क्रीन का जो डिस्प्ले है बेसिक जैसे कोई भी डिस्प्ले फ़ोन है वैसे दिखता है, इट्स गुड इनफ। आई हैव पेड 700 rupees फॉर दिस, 700 में आपको ये काफ़ी अच्छा। द फील ऑफ दिस डिवाइस, ये बहुत लाइट वेट है, आई थिंक बहुत स्टर्डी भी है। एंड इसका जो चार्जिंग पॉइंट है, इसे टीवी का आउटपुट केबल भी है, इसको आप डिस्प्ले टीवी पे ले सकते हैं, बट द लेंथ ऑफ द केबल इज़ हार्डली 1 meter, तो आपको बहुत टीवी के सामने ही बैठना पड़ेगा। तो आई रादर से इट्स नॉट सो मच यूजफुल, इसका जो टीवी का आउटपुट जो है वो नॉट प्रैक्टिकल इनफ। और ये डी टाइप का चार्जिंग पोर्ट है, आप रेगुलर अपना पुराने जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसके जैसे इसको चार्ज करना पड़ता है आपको। एंड या ये आई थिंक इट्स अ प्रेटी गुड डील एट दिस प्राइस। आई थिंक इसके जैसे जैसे ये NKL है, आई थिंक देर आर मल्टीपल अदर डिफरेंट इम्पोर्टर्स हु पुट देर ओन नेम ऑन दिस डिवाइस। तो ये जो SUP है ये आई थिंक दिस इज़ अ कॉमन सप्लायर फ्रॉम चाइना। एंड इफ यू लाइक
दिस आई थिंक ये आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। अगर आपको अपने बच्चे का मोबाइल एडिक्शन छुड़ाना है तो यू कैन डेफिनेटली गिव दिस।